कहने जा रहे हो रिएक्शन तथा क्रॉस कहने जा रहे हो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। जब दो एक समान अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड 50% सांता वाले NaOH की उपस्थिति में आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। जब दो अलग अलग एल्डिहाइड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है 50% सांता वाले NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सब की स्टडी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। इन दिस वीडियो वी डिस्कस क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है और ये हमारा नेम रिएक्शन वीडियो सीरीज की क्रम में 8th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कैनिजारो रिएक्शन की स्टडी की थी। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को समझने से पहले आपको एक बार 7th वीडियो जिसमें कि हमने कैनिजारो रिएक्शन की स्टडी की है उसको आप अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाले एल्डिहाइड क्या होते हैं, 1 डिग्री मोनो अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर क्या देते हैं, इन सब टर्मोलॉजी का हमने 7th वीडियो कैनिजारो रिएक्शन में डिटेल से डिस्कस किया है। आइए इसको कुछ रिएक्शंस के द्वारा समझते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन आपके तभी समझ में आएगी जब आप कैनिजारो रिएक्शन को भलीभांति समझते हों। सामने दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, आप उन दोनों रिएक्शन को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों ही कैनिजारो रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस में एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले हैं और दोनों ही सेम एल्डिहाइड हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। जब दोनों एक जैसे एल्डिहाइड होंगे जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होगा तो इसको हम कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक एल्डिहाइड का अपचयन संगत मोनो अल्कोहल में हो जाएगा जबकि दूसरे वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण संगत कार्बोक्सिल समूह के सोडियम लवण में हो जाएगा। ऐसा ही हम बेंजल्डिहाइड के लिए कह सकते हैं, ये दोनों ही बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं। जब हम इनको 50% सांद्रता वाले NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो एक बेंजल्डिहाइड का अपचयन संगत मोनो अल्कोहल में हो जाता है जबकि दूसरे वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में होता है। यहाँ पर संगत का क्या तात्पर्य है इसको आप 7th वीडियो लेक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर संगत का अर्थ है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब दोनों एल्डिहाइड एक जैसे होते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है तो एक का अपचयन संगत मोनो अल्कोहल में हो जाता है और दूसरे का ऑक्सीकरण संगत कार्बोक्सिल समूह के सोडियम लवण में हो जाता है। आइए नीचे लिखी हुई रिएक्शन की स्टडी करते हैं। इसमें हमने दो अल्लग अल्लग एल्डिहाइड लिए हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम 50% कंसंट्रेशन वाले NaOH से कराते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वह एल्डिहाइड जिसमें कि एक कार्बन परमाणु है संगत मोनो अल्कोहल में अपचयित होता है और वह एल्डिहाइड जिसमें कि 7 कार्बन एटम हैं वह संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वह एल्डिहाइड जिसमें कि 7 कार्बन एटम हैं वह संगत 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में अपचयित होता हो और वह एल्डिहाइड जिसमें कि एक कार्बन परमाणु है वह संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता हो। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन सही है, ऊपर वाली रिएक्शन सही है या नीचे वाली रिएक्शन सही है, इसकी स्टडी हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन से करेंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं, जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं की अभिक्रिया 50% सांद्रता वाले NaOH से कराते हैं तो कम कार्बन युक्त एल्डिहाइड
संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होता है तथा अधिक कार्बन युक्त एल्डिहाइड संगत 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में अपचयित होता है। तो ये वाला एल्डिहाइड जिसमें कि कम कार्बन परमाणु हैं वह संगत कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत होगा, अर्थात यहाँ HCHO HCOONA में चेंज होगा, जबकि ये वाला एल्डिहाइड जिसमें कि अधिक कार्बन परमाणु है संगत 1 डिग्री मोनो अल्कोहल में अपचयित होगा, अर्थात C6H5CHO बेंजल्डिहाइड C6H5CH2OH में अपचयित होगा। यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो है सही है, जबकि ये वाली रिएक्शन गलत है। ये हमको क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन से ज्ञात होता है। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन को आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और यदि कोई कठिनाई आती है या कोई परेशानी आती है तो आप उसको व्हाट्सएप नंबर पर या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो टिशेंको रिएक्शन की स्टडी करेंगे।